ये 10 इंद्रियों के 10 देवता हो गए। सबके भीतर में 4 अंतकरण होते हैं। अंतकरण क्या है? मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ध्यान देना। सबसे कठिन प्रसंग में इस प्रसंग को भागवत में 3 बार दिया गया है। इसको शांति योग कहा जाता है। कथा में जाओ न जाओ ये जो सोच इसको बोलते मन, ये काम को करो या न करो ये जो सोच मन है। यही कथा बात पर भी कहे आज के लोग नकल करना, तो मन तो भगवान में रहेगा, ये बुद्धि का काम है। तो मन में जब निर्णय होता है तो उसका मन ना घर में लगेगा, ना भागलपुर में लगेगा, ना दिल्ली में, ना बम्बई में, ना कलकत्ता में, ना अमेरिका में। और उसको वैकुंठ में भगवान के गोदी में बैठा दो फिर भी उसका मन नहीं लगेगा। अशांत कुतः सुख, जिसका मन अशांत है उसको कहां भी सुख नहीं मिलेगा। शांत कुतः सुख, जिसका मन शांत है उसका हर जगह में मन लग जाए। इसलिए मन का बात निर्मा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता विष्णु, अहंकार के देवता शिव। एक झुकने के लिए तैयार नहीं और एक झुकाने के लिए हरदम तैयार है, इस बात का लड़ाई है। और उसके स्वयं बोल रहे हैं जो मैं ही अहंकार के रूप में विनाश करता हूं, मैंने मैं अहंकार के रूप में रह करके मैं ही सब देवता भगवान महादेव। ये 4 अंतकरण सबके भीतर में, और ये 4 अंतकरण के 4 देवता 29 से 33 पुष्प में इस शरीर बना हुआ है। इसको शांति योग कहा जाता है। भगवान कपिल सती को कोई संतान नहीं मिला। चित्त महाराज ने सुखदेव को प्रश्न किया, गुरु जी सती माता को संतान क्यों नहीं मिला?